प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है अंत्योदय फाउंडेशन की तरफ से हमें खिलौना बैंक की जो स्थापना होती है उसमें एक खिलौना ये मिला है। इसका नाम है क्यूब, रूबिक क्यूब बोलते हैं। ये कई तरह का होता है लेकिन अपने पास में 3x3 यानी 9 पीस एक लेयर में, कुल मिलाकर इसमें 6 लेयर हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक आगे, एक पीछे, एक राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। तो 3x3 यानी 9 पीस हैं। 9 पीस का यदि हम परिचय कराएं तो ये जो बीच में होता है ना, ये आप देख रहे हो बीच में एक, इसको सेंटर पीस बोलते हैं। जैसे ये येलो सेंटर पीस है, इधर कैमरे में भी देखते हैं तो येलो सेंटर पीस ऐसे बीच में, और आपको भी दिखाई दे रहा होगा, इसको तो बोलते हैं सेंटर पीस। ये केवल एक ही कलर का होता है और ये अपनी जगह फिक्स रहता है, मूव नहीं होता है, हमेशा अपनी जगह फिक्स रहता है। तो प्रत्येक लेयर में एक सेंटर पीस होता है। इसके अलावा ये जो चारों कोने आप देख रहे हो तो ये 4 कॉर्नर पीस होते हैं। कॉर्नर का मतलब कोना, तो कोने में जो पीस होता है कॉर्नर पीस, ये भी एक लेयर में 4 होते हैं। और इसमें कितने कलर होते हैं? 3। ये देखो 3 कलर होते हैं, एक कलर तो ऊपर और आजू और बाजू, दो साइडों में, ये दो तो साइड में एक ऊपर। तो ये 3 जो कलर होते हैं, जिसमें 3 कलर होते हैं उसको कॉर्नर पीस कहते हैं, ये कोने में ही होते हैं। तो 4 पीस ये हो गए। और इन कॉर्नर पीस के जो बीच बीच में होता है ना, ये पीस एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, इनमें 2 ही कलर होते हैं। देखो एक तो ऊपर और एक साइड में। तो 2 कलर का जो पीस होता है उसको बोलते हैं एज पीस। तो कुल कितने, एक लेयर में कुल कितने पीस हुए? 9। 4 तो कॉर्नर पीस और इनके बीच बीच में जो है 2 रंग वाले, ये है एज पीस और एक है सेंटर पीस। तो इस तरह से अपने को इन 9 को जो कलर होता है ना, वो किसके हिसाब से होना चाहिए? सेंटर पीस के हिसाब से। येलो के इधर है वाइट अपोजिट में, तो ये वाइट है, तो इस पर इस लेयर का पूरा कलर कैसा होना चाहिए? वाइट। मतलब इसका कलर ही इम्पोर्टेंट है। बीच वाला जो सेंटर पीस होता है जो एक ही कलर का होता है, तो उस कलर के हिसाब से इस पूरे पीसों का कलर होना चाहिए। और इस तरह से सारा सारी 6 लेयर पूरी हो जाए तो अपन मानेंगे अपना क्यूब पूरा हो गया। तो आइए चलते हैं अपन फर्स्ट लेयर की ओर। देख रहे हो ये वाइट सेंटर पीस है, और फर्स्ट लेयर बनाने के लिए हमें यहाँ पर वाइट प्लस बनाना होता है। तो इसके लिए हम पहले इसके जस्ट अपोजिट में येलो पीस को ऊपर कर लेते हैं, और इसके जो चारों तरफ ये जो एज पीस है यहाँ पे वाइट लाना पड़ेगा। तो इसमें हमें नीचे की लेयर या सेकंड लेयर में देखे कोई पीस, जैसे ये पीस है, सबसे आसान पीस ये है, नीचे की तरफ वाइट होता है, तो इसको यहाँ पर लाना बहुत आसान है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, केवल इसको ऐसे घुमा दीजिए जस्ट उल्टा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आराम से आ गया। नीचे की लेयर में बिल्कुल नीचे वाइट होता है तो उसको ऐसे घुमा करके ऊपर ले आते हैं। दूसरी पोजीशन अपने को मिलेगी नीचे की लेयर में, नीचे तो नहीं है लेकिन यहाँ फ्रंट में है, नीचे की लेयर में फ्रंट में होता है वाइट, तो उसको ऊपर कैसे लाएँ? तो इसके लिए इस वाइट को यहाँ सेकेंड लेयर में लाना पड़ेगा, और इसके लिए अपन यूँ मूव कर लेंगे, तो ये सेकेंड या थर्ड लेयर में था तो सेकेंड लेयर में फ्रंट में आ गया, और अब इसको इस तरह से आगे मूव कर देंगे तो ये पीस यहाँ पर आ जाएगा बहुत ईजी में, इस तरह से इसमें 2 मूव में ये इस तरह से ऊपर आ गया, वो 1 मूव में आ गया था, ये 2 मूव में आया। अब इसके अलावा एक ये देखिए सेकेंड लेयर में, यदि ऑलरेडी पहले से इस तरह से है तो अपने सामने रखिए इसको फ्रंट में, और इसको 1 ही मूव में अपन ऊपर ले जाएंगे। अब केवल 1 पीस यहाँ पर लाना बचा है, तो 1 पीस ये देखिए वो नीचे की थर्ड लेयर में फ्रंट में, तो जब नीचे की लेयर में फ्रंट में होता है तो पहले उसको यहाँ सेंटर की जो लाइन है मिडिल लाइन में लाना पड़ेगा। और इसके लिए पहले चाहे तो इधर मूव कर लो चाहे इधर मूव कर लो, जैसे इधर मूव कर लिया एक ही बात, तो ये लिया है। अब इसके सामने तो क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही वाइट है तो इसीलिए इसको घुमाइए ऊपर की लेयर को, और इसके सामने ऐसी लाइए जिस पे वाइट नहीं है, तो अब ये इस लाइन में आ गया, तो ये पीस को जब घुमाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा आराम से, तो इस तरह से मूव करके लिए 3 बन गया। अब 1 पीस इधर का चला गया, तो ये अपन ऐसा करेंगे पहले कि
ये जो वाइट पीस अपने सामने रखो और इसको घुमा के अपनी सिद में लाओ, यहाँ पे लाना है तो इस तरह से इसकी सिद में लाओ। तो अब मूव करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से येलो के चारों जो एज पीस है वो वाइट आ गए ऊपर, लेकिन अपने को बनाना है यहाँ पे वाइट पे प्लस बनाना। तो अपन क्या करेंगे कि एक एक पीस को नीचे लाएंगे इधर, लेकिन उसकी शर्त यह है कि पहले सेंटर पीस से मैच खिला के फिर नीचे लाएंगे। जैसे ये अपने ऑरेंज है जबकि यहाँ पे तो रेड है, तो इस ऊपर वाली लेयर को आप पकड़े रहिए और नीचे वाली लेयरों को घुमाइए, क्योंकि ये रेड से ऑरेंज से ऑरेंज, ये ऑरेंज से ऑरेंज इस तरह मैच खाना चाहिए। अब मैच खा गया तो अब इसको अपन ऐसे राइट साइड में करके और वन और ये टू इस तरह करेंगे तो ये नीचे मैच खा जाएगा। ऐसे और पीस को भी सेंटर पीस से मैच करके नीचे लाओ। जैसे ये ब्लू है तो इसको ब्लू से मैच कराओ, घुमाते रहो जब तक ये मैच नहीं हो जाए। ये मैच हो गया तो इसको वही दाएं साइड करके वन टू ऐसे ही। अब ये पीस है रेड तो रेड से मैच कराओ इसको सेंटर पीस, ये रेड से रेड मैच खा गया और इस वाइट को अब नीचे ले जाओ वन टू। ऐसे ये ग्रीन है तो ग्रीन को ग्रीन से मैच कराओ, घुमाओ ऐसे, ये ग्रीन से ग्रीन सेंटर पीस मैच खा गया। अब इस वाइट को वन और टू इस तरह से नीचे ले जाओ तो अपने जो चारों पीस थे वाइट वो नीचे चले गए। और नीचे देख लीजिए वाइट सेंटर पीस के इस तरह से वाइट प्लस बन गया। ये कॉर्नर वाइट है, इसको इग्नोर करना अपने को, केवल अपने को मतलब है वाइट ये जो है क्रॉस बनाने से या वाइट प्लस बनाने से जो बन गया। और इधर साइड से सेंटर पीस से मैच खाना चाहिए, रेड से ये ऑरेंज से ऑरेंज, ग्रीन से ग्रीन, रेड से रेड और ब्लू से ब्लू। अब चारों ये जो कॉर्नर हैं ये वन टू थ्री फोर ये लगाने हैं, ऊपर वाइट आए और साइड में जो कलर है वो अपने सेंटर पीस से मैच खाना चाहिए। तो इसके लिए अपने को देखो नीचे की लाइन में ये पीस अपने को देख रहा है कॉर्नर पीस, तो वाइट को अपने सामने रखिए। वाइट के अलावा दो कलर कौन से हैं, एक तो है ग्रीन और रेड। तो ये देखो ग्रीन और रेड, तो इसका मतलब ये सही कॉर्नर पे लगा हुआ है। यदि मान लो ये यहाँ नहीं होता इधर होता तो अब इसको, क्योंकि इसका कलर है ग्रीन और रेड तो यहाँ पर तो रेड और ब्लू है तो ये सही कॉर्नर पे नहीं है, तो इसको घुमा के लाना पड़ता। तो इस तरह से घुमा के लाए तो ये देखो अब हो गया ग्रीन और रेड, और ये भी ग्रीन और रेड, तो ये सही कॉर्नर पर लग गया। अब इसको सही कॉर्नर पर लगाने के बाद में, क्योंकि लगना तो ऊपर है लेकिन उसकी सिद में नीचे की लेयर में लाना पड़ता है, तो ये नीचे की लेयर में आ गया। अब इस वाइट को अपने उसको होल्डिंग पोजिशन यूँ रखनी है, वाइट अपने सामने रहे, ऐसे नहीं पकड़ना कि वाइट इधर साइड में चल जाए। वाइट जो पोर्शन है इसका वाइट कलर है वो अपने फ्रंट पे रहना चाहिए मुँह के सामने। अब इसमें देखिए आप अभी कौन से कॉर्नर पर है, लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, तो इसको इधर राइट साइड के कॉर्नर में ले जाना है। तो ये एक बार यूँ मूव कर दिया और ये जो गलत पीस लगा हुआ है इसको नीचे लाओ। अब ये जो इधर राइट में लगे थे इसको वापस अपनी जगह लेफ्ट में लाओ। ऐसा करने से क्या होगा, ये दो पेयर, दो पीस का पेयर बन जाता है। तो ये पेयर बनते इसको ऊपर की साइड कर दो, तो इस तरह से ये देखिए सही जगह लग गया अपना, ग्रीन से ग्रीन और रेड से रेड। ऐसे ही और पीस देखिए आप, ये भी है एक कॉर्नर पीस, लेकिन इसमें क्या है वाइट नीचे की साइड में, नीचे बॉटम में, जबकि वाइट होना चाहिए या तो यहाँ पर या यहाँ पर, मतलब साइड के कलर, साइड का जो दो कलर होते हैं उनमें होना चाहिए, जबकि ये नीचे बॉटम में गया। तो इसको पहले एक स्टेप अपना बढ़ जाएगा, अब एक काम बढ़ गया, पहले तो इसको नीचे से बॉटम से साइड पर लाना पड़ेगा वाइट कलर को, फिर जाके वही स्टेप करनी पड़ेगी। तो इसके लिए पहले अपनी ये पोजीशन है पकड़ने की, तो इसको एकदम पहले बेक करिए तो पीछे चल जाएगा जो ये वाइट है ना, पीछे चल जाएगा नीचे से इधर पीछे आ जाएगा। और फिर इसको फ्रंट पे लाने के लिए वन और टू दो बार इस तरह से मूव कीजिए अपोजिट में, और ये सेंटर पीस भी यहाँ पे बिगड़ गया तो इसको वापस सही मिला दीजिए अपने। और ये कॉर्नर इसका यहाँ था,
क्योंकि कॉर्नर में देख लीजिए, ये इसका कॉर्नर यहाँ पे नहीं है, इसका कॉर्नर है ये, क्योंकि ब्लू और ऑरेंज, तो ब्लू और ऑरेंज तो ये कॉर्नर है। तो अब इसको सही कॉर्नर पे आ गए तो वाइट वाले इस पोर्शन को अपने सामने रखना। अब ये यहाँ ना, तो वो पहले वाली बात कि इसको अपने को लेफ्ट कॉर्नर से इधर राइट कॉर्नर पे लाना है, तो इसको यूँ घुमा दीजिए, लेफ्ट से ये राइट पे आ गया, और ये गलत जो पीस लगा हुआ है इसको नीचे करो, इधर जो राइट की तरफ इधर वापस लेफ्ट पे लाओ। यूँ करते ही क्या बन गया, पेयर बन गया, पेयर बनते इसको ऊपर कर दो, तो इस तरह से ये सही पीस लग गया अपना, ब्लू से ब्लू, ऑरेंज से ऑरेंज। अब इसके अलावा देखिए एक पीस ये रहा कॉर्नर पीस, तो इसमें दो कलर कौन से हैं, ऑरेंज और ग्रीन, तो ये ऑरेंज और ग्रीन इसके सही बीच में लगा हुआ, सही जगह लगा हुआ, लेकिन इसकी जगह ऊपर होती है लगाने की, तो इसको होल्डिंग पोजीशन ये है, वाइट को सामने रखो, अभी लेफ्ट कॉर्नर पे है तो इसको इधर मूव करके राइट कॉर्नर पे ले जाओ, और जो ये ऊपर गलत लगा हुआ है इस पीस को नीचे लाओ, इधर जो राइट में लगे तो उसको वापस लेफ्ट में लाओ, ऐसा करते ही वो पैर बन गया, इस पैर बनते ऊपर कर दो, तो इस तरह से ऑरेंज से ऑरेंज, ग्रीन से ग्रीन सेम मिल गया। अब एक पीस अपना यहाँ लगाना है ये गलत, तो नीचे देखिए नीचे की लेयर में ये रहा, तो ये है रेड और ब्लू, तो इसको घुमा के लाओ रेड और ब्लू के वहाँ कॉर्नर पे, ये देखो ये तो रेड और ये ब्लू, तो ये इसके कॉर्नर पे होगा, तो कॉर्नर में तो सही लिया है, लेकिन वही बात है इसमें भी दिक्कत ये है कि एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा, इसमें वाइट नीचे की साइड है जबकि वाइट होना चाहिए या तो आजू या बाजू, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप अपने को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ये जो नीचे वाइट है ना इसको ऐसे बैक मूव करके पीछे की साइड ले गए, ये देखो ये तो पीछे की साइड आ गया, और फिर इसके बाद में दो बार उल्टा घुमाइए इसको, वन और ये टू, ऐसा करने से क्या होगा पीछे की साइड से इधर फ्रंट साइड में आ गया, और यहाँ जो ये लेयर बिगड़ गया इसको वापस सीधा कर दीजिए, तो ये सेंटर वापस अपना बन गया प्लस वाइट, और ये जो है इसका कॉर्नर ये यहाँ पे था भाई, रेड और ब्लू था ना, तो रेड और ब्लू तो ये कॉर्नर पे लिया, अब ये अपनी सही जगह आ गया, लेकिन लगना यहाँ पे, तो वही बात है वाइट पोर्शन को अपने सामने रखो, फिर वही बात है ये लेफ्ट कॉर्नर पे तो इसको राइट साइड भेजो, फिर ये जो गलत पीस है इसको नीचे लाओ, इधर ये राइट में गया उसको वापस लेफ्ट में लाओ, तो इस तरह से ये पेयर बन गया, पेयर बनते ऊपर ले जाओ, तो इस तरह से अपना देखिए ऊपर की लेयर पूरी वाइट हो गई, और ये जो फर्स्ट लेयर बन रही है अपनी ये अपने अपने सेंटर पीस से मैच खा रही है, जैसे ये रेड है तो इससे रेड बन गया, ये ब्लू से ब्लू मैच कर रही है, ऑरेंज ऑरेंज से मैच कर रही है, और ग्रीन ग्रीन से मैच कर रही है, इस तरह से अपनी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हुई। आप इसका अभ्यास कीजिए बार बार, और तब हम इसके बाद में दूसरी लेयर बनाना आपको सिखाएंगे। थैंक यू।